उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए सियासी जमावड़ा बढ़ने लगा है। असुद्दीन ओवैसी अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में हैं और बाराबंकी में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसे। राजनीतिक दलों ने औपचारिक अनौपचारिक ढंग से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और इस बार AIMIM भी इसमें पीछे नहीं है। मुस्लिम वोटों के सहारे मिशन यूपी 2022 को फतह करने के लिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहले अयोध्या, फिर सुल्तानपुर और अब बाराबंकी पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार यानी कि बीते दिन 9 सितंबर को बाराबंकी में थे, जहां जमकर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी। इस दौरान AIMIM चीफ ने मोदी योगी से लेकर सभी विपक्ष को निशाने पर लिया। जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है, पूछिए कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? ओवैसी ने अखिलेश से लेकर मायावती पर तंज कसा, तो वहीं ओवैसी के भाषण के बाद उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। मोहल्ला कटरा चांदना में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें COVID-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि राम सनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं COVID-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। हैदराबाद से बिहार और बंगाल तक में ओवैसी मुसलमानों के नाम पर सियासत करते रहे, कहीं कामयाब हुए तो कहीं मुस्लिमों ने उन्हें नकार दिया। ओवैसी की सियासत का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है और वो इसे बदलना नहीं चाहते। ऐसे में ओवीसी का ये स्ट्राइक वोट काटने का काम करता है, तो इससे ओवीसी का फायदा हो ना हो, लेकिन यूपी की राजनीति में सियासी समीकरण जरूर बदल जाएंगे। बिहार और बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश के सियासी दलों का समीकरण बिगाड़ने का काम करेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। दीगर बात है कि उत्तर प्रदेश में 20% के करीब मुसलमान वोटों की संख्या है और कहीं ना कहीं ओवैसी यदि अपने पक्ष में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लामबंद करने में कामयाब रहे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण जरूर बदलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजू कपासिया, खबर फास्ट, लखनऊ।